तो नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस का एक और खुलासा सामने आया है। ईओयू की जांच में नया खुलासा हुआ है। हसारीबाग के ओसीएस स्कूल से पेपर लीक हुआ। सूत्रों से अहम जानकारी ये मिल पाई है। बता दें कि 6136488 बुकलेट आवंटित हुआ था। बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। बैंक से ओएसिस स्कूल प्रश्न पत्र पहुंचा था। ईओयू की टीम हसारीबाग में अभी मौजूद है। आरोपियों के नार्को ब्रेन मैपिंग की भी तैयारी की जा रही है। तो देखिए, एक से बढ़कर एक कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। और अब जो ईओयू ने जांच की उसमें नया खुलासा ये हुआ है कि हजारीबाग के ओसीएस स्कूल से पेपर लीक हुआ। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, ओसीएस स्कूल का क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए राहुल, सबसे पहले यह स्पष्ट हो गया था कि एनटीए जो तीन बार रिमाइंडर देने के बावजूद यह नहीं बता सका था कि आखिरकार जो पटना में बुकलेट मिला, जो जला हुआ बुकलेट मिला था जिसका नंबर था 6136488, ये आखिरकार कहां से लीक हुआ। तो जब ईओयू की टीम दिल्ली गई, वहां पर मंत्रणा हुई और उसके बाद एनटीए ने तीन बार रिमाइंडर देने के बाद यह बताया कि यह जो पेपर लीक हुआ है यह हजारीबाग से लीक हुआ है। इसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम शनिवार को हजारीबाग पहुंच गई थी। वहां पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से लगातार जांच चल रही थी और जांच के बाद जो बुकलेट मिला है उसके बारे में जो रिपोर्ट भी सौंपी गई है शिक्षा निदेशालय को, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को, उसमें इस बात की चर्चा की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कि ओएसिस स्कूल जो है। संजय, इस मामले में सिंटू की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिंटू के बाद चिंटू को लेकर भी कार्रवाई चल रही है। अपडेट क्या है, डेवलपमेंट क्या हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हजार देवघर से जो छह लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें चिंटू उर्फ बलदेव, ये एक ही नाम है, जो संजीव मुखिया जो पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है उसका ये रिश्तेदार है। 5 मई की सुबह सभी जो अभ्यर्थी से 30 वो खेमनीचक पटना में इकट्ठे हुए थे और जो चिंटू उर्फ सिंटू है इसी के मोबाइल पर आंसर शीट आया था। अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग विषय के आंसर शीट दिए गए थे, वहां पर सभी ने रटा और वहीं से सभी को सेंटर भेजा गया था। तो ये नालंदा जिले का रहने वाला है, कराय परसुराय का, और इसकी अहम भूमिका है इस पूरे मामले में। और देखना होगा आगे जब इंट्रोगेशन चल रहा है, इनसे पूछताछ चल रही है, तो कौन सी बात नई बात सामने निकल कर आती है और जॉन संजीव मुखिया जो फिलहाल फरार चल रहा है उसकी गिरफ्तारी कैसे सुनिश्चित कर पाती है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम। जी राहुल, चलिए बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, एक और जो खबर सामने आ रही है कि नीट पेपर लीक किस में बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा ये हुआ है कि जांच में संजीव मुखिया ही मास्टरमाइंड पाया गया है। संजीव मुखिया ने प्रश्न पत्र पहुंचाया था, सिंटू के फोन पर प्रश्न पत्र भेजा गया था, उत्तर भी भेजे गए थे, अभ्यर्थियों को रटने का को कहा गया था पटना के खेमनीचक में और इनको उत्तर रटवाया गया था। हमारे साथ संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, संजीव मुखिया जो मुख्य किरदार मास्टरमाइंड सामने आ रहा है और जिसने किस तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाया, अभ्यर्थियों को ये उत्तर रटवाए गए, संजीव मुखिया के बारे में अभी क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट है? देखिए, संजीव मुखिया लगातार फरार चल रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम उसी को खोजना चाह रही है, उसी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना चाह रही है। दरअसल जो सिकंदर कुमार यादेंदु का बिहार सरकार का जूनियर इंजीनियर, उसी ने पटना पुलिस को बताया था कि उसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया है नीट का वो संजीव मुखिया के माध्यम से आया है। यही कारण है कि संजीव मुखिया को नामजद अभियुक्त बनाया गया। फिलहाल वो फरार चल रहा है, नगर नौसा का रहने वाला है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव कार्रवाई कर रही है। हालांकि संजीव मुखिया खुद को बचाने के लिए इंट्रीम बेल भी फाइल किया है उसने और 25 जून को उस पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा उसने पटना के एसएसपी को अधिवक्ता के माध्यम से खुद को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव, जो खुद एमबीबीएस है पटना पीएमसीएच से, वो भी पेपर लीक कांड का आरोपी और शिक्षक भर्ती पहली परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा ली गई थी उसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये नेक्सस है, बाप बेटे का भी नेक्सस है और उसकी गिरफ्तारी होने के बाद सारी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। राहुल, संजय, लेटेस्ट जो डेटा है गिरफ्तारी का, वो कितनी गिरफ्तारी अब तक हो गई है? देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की कार्रवाई की बात कर लें और पटना पुलिस की बात कर लें ज्वाइंटली, तो 13 लोगों को पटना पुलिस ने मई महीने में, यहाँ से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले गिरफ्तार कर दिया था। 6 लोगों की गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई है। तो जो गिरफ्तारी की संख्या है वो 19 तक पहुंच गई है और अभी ये जो 6 लोग हैं इनको आज संभवतः जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। इनसे रात भर इंट्रोगेशन हुआ, कई चीजों पर पूछताछ की गई है। इसमें सबसे अहम जो गिरफ्तारी है वो चिंटू बलदेव की है, जो बहुत कुछ बता सकता है संजीव मुखिया के बारे में। राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है, एनटीए के महानिदेशक हटा दिए गए हैं। सरकार ने डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया है, प्रदीप सिंह खरोला को अब प्रभार दिया गया है। एनटीए के महानिदेशक का प्रभार इन्हें सौंपा गया है।
पूर्व केंद्रीय सचिव प्रदीप सिंह खरोला है। पेपर लीक मामले में यह कार्रवाई हुई है। तो एनटीए ने नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा कराई थी और अब खबर यह सामने आ रही है कि एनटीए के महानिदेशक हटा दिए गए हैं। सरकार ने डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया है और उनकी जगह पर अब प्रदीप सिंह खरोला को प्रभार दिया गया है। यानी कि एनटीए के महानिदेशक का प्रभार अब प्रदीप सिंह खरोला के जिम्मे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान जल्द करने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। पेपर लीक विवाद के कारण यह फैसला सामने आया है। तो देखिए लगातार इस खबर में डेवलपमेंट हो रहा है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और जो आज नीट पीजी की परीक्षा होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। साथ ही खबर यह भी है कि नई तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। तो देखिए पेपर लीक विवाद अब इतना बड़ा हो चुका है किसका असर जो है बाकी एग्जाम्स पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि पेपर लीक कांड की वजह से उनकी परीक्षाएं स्थगित हो रही है, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। और ऐसे में खबर अब ये सामने आ गई कि जो नीट पीजी परीक्षा होने वाली थी आज वो स्थगित कर दी गई है। तो नीट पेपर लीक मामले में रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के तार बिहार से होते हुए अब झारखंड तक जुड़ गया है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक के तार झारखंड टू बिहार। पेपर लीक की परत दर परत खुल रही साजिश। बिहार से झारखंड तक एक्शन ताबड़तोड़। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसकी परतें खुलती जा रही हैं। पेपर लीक के तार बिहार से होते हुए अब झारखंड तक जुड़ गए हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अब झारखंड में कार्रवाई करते हुए देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं जो देवघर में किराए के मकान में छिपकर रह रहे थे। इससे पहले ईओयू की टीम ने पेपर लीक मामले में बिहार से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमें 4 नीट अभ्यर्थी हैं। पटना के शास्त्रीय नगर पेपर लीक मामले में लगातार विभिन्न जगहों से आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी कड़ी में देवघर के देवीपुर स्थित इसी घर से 6 अपराधियों को जो है यहां से देवीपुर पुलिस और ईओयू की टीम जो है देर रात यहां से छापेमारी कर इन 6 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सामने जो शेड दिख रहा है उसी शेड में सभी लोग पार्टी कर रहे थे जिस समय पर यहां पर पुलिस पहुंची थी और यहां से सभी लोगों को उठाकर पुलिस लेकर गई है वापस पटना। बिहार पुलिस की टीम ने हजारीबाग में भी नीट के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की है। बताया जा रहा है कि लीक हुए पेपर का सॉल्वर गैंग रांची और हजारीबाग से ऑपरेट कर रहा था। हजारीबाग के एक होटल में परीक्षार्थियों को रखकर जो है क्वेश्चन रटवाए जा रहे थे, उसमें से पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली थी और उसमें जो है ईओयू की टीम जो है उन्होंने भी जो है कई कार्रवाई की थी, 5 लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन बात अभी हम वर्तमान में नीट परीक्षा की कर ले तो जिस तरीके से धांधली का मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग में भी जो है कई तरह की जो छानबीन किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो इस मामले से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी गिरफ्तारी की भी जो है वो संभावना जताई जा रही है। सिकंदर कुमार यादवेंदु नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड के आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु की बेटी भी MBBS की पढ़ाई कर चुकी है। आरोपी सिकंदर यादवेंदु का दामाद पीजी की पढ़ाई कर रहा है। सिकंदर कुमार यादवेंदु पर नीट पेपर लीक कांड में 4 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप है जिसमे भतीजा अनुराग यादव भी शामिल है। अनुराग यादव भी नीट परीक्षा का अभ्यर्थी है। अब जरा जानते हैं पेपर लीक कांड में शामिल संजीव मुखिया और उसके परिवार के बारे में। संजीव मुखिया परीक्षा माफिया है। उसका बेटा डॉक्टर शिव PMCH से MBBS कर चुका है। डॉक्टर शिव कुमार शिक्षक परीक्षा भर्ती लीक पेपर मामले में गिरफ्तार हुआ है।
खेमनीचक से प्रभात रंजन के मकान में परीक्षार्थियों को उत्तर अटवाया गया था। प्रभात रंजन की बेटी भी MBBS कर चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और